हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? तो आ गई है आपकी संदीप आपके लिए फिर से आज एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी वीडियो लेके। आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक छोटू से पील ऑफ मास्क का। अभी आगे फेस्टिवल सीजन्स आने वाले हैं तो कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्लर में जाएँ, सैलून में जाएँ और अपना फेशियल करवाएँ एंड क्लीनअप करवाएँ स्किन का, और ये इसेंशियल भी है, करवाना भी ज़रूरी है भाई। तो उस चीज़ के लिए लेके आई हूँ मैं इंस्टेंट ग्लो वाला एक पील ऑफ मास्क। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट गाइस दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू ऑल। दिस इज़ अ न्यू एवरयूथ नेचुरल का नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ मास्क। इट इज़ बेसिकली अ होम फेशियल दैट फाइट विद टैंस एंड सन बर्न्स। इसका नेट वेट है 90 ग्राम एंड ये वाली पैकेजिंग जो है ये आपको अराउंड 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके जो बेसिक काम है दैट इज़ के हमारी फेस की डर्ट को पील ऑफ करता है, इंस्टेंट ग्लो देता है हमारी स्किन को, मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को एंड हमारे फेस के ब्लड सर्कुलेशंस को भी बढ़ाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तभी तो हमारी स्किन ग्लो करेगी ना। तो ये सारे काम है इस छोटू से पील ऑफ मास्क के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करने का प्रोसीजर। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं पील ऑफ मास्क को अप्लाई करने का प्रोसीजर। मैं आप सबको बता दूं कि इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जस्ट अ मोटी लेयर ऑफ पील ऑफ मास्क आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। मेक श्योर आप लोगों को इसे ट्वाइस अ वीक ही अप्लाई करना है, डेली बेसिस पे अप्लाई नहीं करना इसको, क्योंकि ये जो है हमारे फेस का नेचुरल मॉइस्चराइजर जो है, मॉइस्चर जो है हमारी स्किन का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जस्ट ट्वाइस अ वीक। तो अप्लाई कर लिया है मैंने अपना पील ऑफ मास्क। अभी इसको 15 टू 20 मिनट्स आपको अपनी स्किन पे ऐसे ही स्टे करके रखना है जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, तभी हम इसको पील ऑफ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा पील ऑफ मास्क अच्छे से सूख चुका है मेरी स्किन में। अब इसको हम पील ऑफ करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी पील ऑफ मास्क को वॉश नहीं करना डायरेक्ट, इसको पील ऑफ ही करना है तभी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। तो चलिए कर लेते हैं अपने पील ऑफ मास्क को पील। तो अपवर्ड डायरेक्शन से आपको इसको उतारना है, डाउनवर्ड से नहीं लेना आपने इसको, अपवर्ड डायरेक्शन से उतारते हुए इसको नीचे की तरफ आना है आपको एंड धीरे धीरे इसको पील ऑफ करना है। तो गाइस आप देख सकते हो इजीली ये पील ऑफ हो रहा है हमारी स्किन से। ऐसे धीरे धीरे इसको निकालते हुए आपको नीचे डायरेक्शन में आना है। ये बिल्कुल भी पेन नहीं करता है फेस पे। कुछ लोगों का कहना है कि पील ऑफ मास्क जो है हमारी स्किन पे पेन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये स्किन पे, स्किन के ऊपर, और इजीली रिमूव हो जाएगा। मैंने सारे एक्सेस मास्क को अपने फेस से रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हो इंस्टेंट ग्लो देखने को मिला है आप लोगों को मेरे फेस पे। अभी डिस्कस कर लेते हैं इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो गाइस पील ऑफ मास्क से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको हमेशा एक पैच टेस्ट लेना अपने ईयर के पीछे या फिर आप अपने हाथ पे हल्का सा टेस्ट ले लेना। अगर आप लोगों को ये इरिटेशन देता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको यूज़ मत करना। सेकेंड थिंग कि आपको अपने आईब्रोज़ के नियर बाय इसको नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार पील ऑफ मास्क जो है हमारे आईब्रो के एक दो हेयर्स निकाल लेता है, मे बी आपके थ्रेडिंग की शेप ख़राब हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके ढेरों सारे फ़ायदे हैं, जैसे इंस्टेंट ग्लो तो ये देगा ही स्किन को, इसके अलावा हमारे स्किन पे जो भी ब्लैक हेड्स, जो भी वाइट हेड्स होंगे हमारी फेस पे, अगर सन टैन हुई है, कहीं से बर्न हुई है हमारी स्किन, तो उस चीज़ को भी ये रिमूव कर देगा और हमारी फेस की
ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करेगा, जो भी ज़रूरी एक्सफोलिएशन है स्किन की वही हमें प्रोवाइड करेगा। तो गाइस ज़रूर इसको ट्राई करना, अपना फीडबैक जो भी हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताना कि अगर आप कोई और मास्क की वीडियोस भी देखना चाहते हो इंस्टेंट स्किन ग्लो के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना अपना, इन्जॉय करना फैमिली के साथ, बाय बाय।